तो मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन को फिर से श्रृंगार की तरफ ले जाया जाए। हमारे बीच में उज्जैन से आई हुई एक कवयित्री है जिसका नाम है निशा पंडित, जिनका चेहरा आप देखिए, इतना पाउडर लगा के आए हैं आज, कसम से मेरा तो कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। मगर प्रेम की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं। पाकिस्तान के एक शायर हैं तहजीब हाफी, उन्होंने लिखा कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया। मैं देखना चाहता हूं आप श्रृंगार को किस तरह से सुनेंगे कि थोड़ा लिखा, जितने लोग जा रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपना एक बड़ा नुकसान करके जा रहे हैं, वापस आओ तो अच्छी बात है, बाकी भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि जाने वाले पुनः आते नहीं हैं। और पीछे जो लोग खड़े, भैया आप भी बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़े रहने से पांव भारी हो जाते हैं। हाँ, चाय चाय वाले को कुछ मत बोलना भाई साहब, पता नहीं आगे जाके कब नोट बंद कर ले। तो मैं कह रहा था कि तहजीब हाफी का शेर है, दीपक भैया ने काफी अच्छा पढ़ा और इनको खांसी हो चुकी है तो इनकी व्यवस्था भी करी जाए, मतलब ब्राह्मण है तो चाय की ही व्यवस्था करी जाए। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के खातिर रास्ता छोड़ दिया। और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। अब एक शेर पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां मिले तो मैं निशा पंडित को बुलाऊंगा, बाकी और एक और पढ़ूंगा कि लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। और तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया, कि आप अगर होठों से छूलो पैमाना हो जाएगा। निशा जी, आप अगर होठों से छूलो पैमाना हो जाएगा, नजरों से छूलो तो जलकर, नजरों से छूलो तो जलकर परवाना हो जाएगा। और कुछ ना पढ़ो बस चंद मिनट माइक पर आकर खड़ी रहो, कुछ ना पढ़ो। तालियां, आपकी तालियों से मैं आवाज देना चाहता हूँ उज्जैन से महाकाल की धरती से आई हुई एक कवयित्री को, कि आप अगर होठों से छूलो पैमाना हो जाएगा, नजरों से छूलो तो जलकर परवाना हो जाएगा, कुछ ना पढ़ो बस चंद मिनट माइक पर आकर खड़ी रहो, इस महफिल का बच्चा बच्चा दीवाना हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें निशा पंडित। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और आप बहुत आनंद से इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। मैं अभी कुणाल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कह रहा था कि इतना क्रीम लगाकर आई है कि कैरम बोर्ड खेलने का, पाउडर लगाकर आई है कि कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। ये कैरम बोर्ड खेलने का ही दुष्परिणाम है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी और सीधे सीधे आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा निशा दीदी, मेरे आपकी उम्र की एक जवान लड़के मैंने बुलाए हैं। संचालक महोदय को प्रणाम करती हूँ, बदल चुके हैं। और नहीं नहीं, छोटो छोरो है, गलत बात है, इसलिए मैंने कहा बच्चे को कुछ हो ना जाए, इसलिए थोड़ी देर जाकर के बैठना चाहिए। छोरो तू घूम के आ जा थोड़ी देर। कुणाल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आराम से, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बच्चा बता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संचालन कर रहा था ये। और इसको आप लोग आशीर्वाद दीजिए तालियां बजा करके, ताकि ये देश का बढ़िया संचालक बने। और ये तो पता नहीं क्या पहन, आज ये बहुत अच्छा पहन करके आई है तू, और बिल्कुल मतलब जो है ये भेड़ की ऊन का है शायद, मालवा में मिलती कहाँ से है। और चलिए ठीक है, आपने भेड़ की ऊन का बताया तो आप तो कुछ भी पहने ऐसा लगता है गेंदे की खाल। फिर मैं सीधे सीधे, नहीं सीधे सीधे क्यों, आराम से सुनाओ, सीधे सीधे क्या सुना, इतने सीधे लोग थोड़ी हैं ये मेवाड़ के लोग हैं। जी बिल्कुल, मैं जान चुकी हूँ, जानती हूँ कि ये मेवाड़ के लोग, मेवाड़ के लोग हैं, कानों में छतर लटका रखे हैं तूने चार बजे नाथ के दोनों। अब मैं इनको क्या कहूँ, आप
अगर आप सभी का मन हो तो मैं इन तक जवाब पहुंचाना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए कि मैं इनको जवाब दूँ। तालियां अभी भी आपकी कमजोर है। चार पंक्तियां मैं पढ़ दूँ, उसके बाद अगर आप लोगों का मन हो। ये जो कानों में लटके हैं ये लड़ी के समान लगती है, और तेरे दांत चावल के दानों जैसे है तो खिचड़ी के समान लगती है, और ये जो पहना है जैकेट ये भी ऊन का है, और जुल्फें इतनी घनी बिखेरी है कि गौर से देखो तो रिचड़ी के समान लगती है। अच्छा, ऐसे पंक्तियां कोई लिखने की जरूरत थोड़ी है, ऐसे तो मैं यूं ही बना लूं। सही में लिखने के लिए तो गीत गजल शायरी होते हैं, उसकी एक किताब है अलग से मेरी। मुझे नहीं पता था कि दीपक जी इतना अच्छा बोल लेते हैं। भाई साहब सुने, मैं चार पंक्तियां इन तक पहुंचाना चाहती हूं। आप सभी का मन, आप सभी अपना अपना मन दीजिएगा। मोहब्बत है नशा सा, निशा भी भोर लगती है। वाह, बोली कोयल सी कौए को तेज सा शोर लगती है। मोहब्बत है नशा ऐसा, निशा भी भोर लगती है। बोली कोयल सी कौए को तेज सा शोर लगती है। कोई तो समझाए प्यारो ऐसे अकल के अंधे को, कोई तो समझाए प्यारो ऐसे अकल के अंधों को। कयामत पास है इनके, इन्हें कुछ और लगती है। कयामत पास। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बात सुबह तक समझ में आएंगी। मातृशक्ति भी अपना मन दे। अरे, हम बीमारी के लिए डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य या हकीम लेंगे, दवाई में कड़वा नीम लेंगे, और तूने हमें कौवा जो कह दिया। सुनो बालिके, तुमने हमें कौवा जो कह लिया। हम जात के पंडित ठहरे, तुम्हें श्राद्ध पक्ष की खीर समझ के जीम लेंगे। ढंग से तालियां वालियां बजाओ और एक अच्छे गीत के लिए आमंत्रित करो। इन चीजों में क्या पड़ा है? गीत और गजलें आप तक पहुंचाना चाहती हूं। ये अच्छी चीजें सुनाओ, ऐसी ये चार पंक्तियां इन तक पहुंचे। आप सभी जी बिल्कुल, मैं चार पंक्तियां और इन तक पहुंचाना चाहती हूं। इन्हें श्राद्ध की खीर खाने को मिले ना मिले, लेकिन ये अंतिम चार पंक्तियां इन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर देना चाहती हूं। आप सभी का मन मांगती हूं, सुनिएगा। मत कीजिए कोशिश मुझे आजमाने की, मत कीजिए कोशिश मुझे आजमाने की। क्षमा हूं मैं तुम्हारी औकात नहीं परवाने की, क्षमा हूं मैं तुम्हारी औकात नहीं परवाने की। और पल भर में टूट कर बिखर जाएंगे आप, पल भर में टूट कर बिखर जाएंगे आप। मत कीजिए कोशिश आंधी में दिया जलाने की, मत कीजिए कोशिश आंधी में दिया जलाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जितनी घनघोर तालियां बजाई है, मैं तो आमंत्रित करता हूँ निशा जी को एक अच्छे गीत के लिए, इन चार पंक्तियों के साथ कि हम भी कभी इश्क के समंदर में नहाएंगे, इम्तिहाने मोहब्बत में खुद को आजमाएंगे। नाच ना कर हंसी अपने चमकते सितारों पर, नाच ना कर हंसी अपने चमकते सितारों पर, जिस दिन ये सूरज उगेगा ये नजर नहीं आएंगे। तालियां वालियां बजा दीजिए। और मैं चार पंक्तियां और इन तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप तो शायरी सुनाइए, बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिएगा। कि थामी जो कलाई फिर कभी ना छोड़ेंगे, थामी जो कलाई फिर कभी ना छोड़ेंगे। करेंगे वादे ताउम्र ना तोड़ेंगे, और रिश्तों की गरिमा को निभाना जानते हैं हम भी। रिश्तों की गरिमा को निभाना जानते हैं हम भी। किसी गफलत में ना रहना है जनाब, सिवाय भाई के तुमसे कोई रिश्ता ना जोड़ेंगे, सिवाय भाई के तुमसे कोई रिश्ता ना जोड़ेंगे। और लीजिए। अच्छा, मैं भी कवि सम्मेलन में जाजार पीछे कमाऊं। अब मारवाड़ी में सुनो गजल एक पुस्तक। मैं भी कवि सम्मेलन में जाजार पीछे कमाऊं, थारा किनी गीत और गजल गाऊं, अब अतरी सारी बेना होगी तो मायरा कटू लाऊं। आप बस
बहन की तरह सम्मान दे दे, मुझे तो वही प्यारा है। मायरा तो आप दूसरी बहनों को दीजिएगा। मैं स्वागत स्वागत आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। आप लोगों ने सभी को बड़े स्नेह से सुना है, चार पंक्तियाँ और आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। स्वागत सुनिएगा। मोहब्बत की क्यारियां सी चक्कर में चैन लेती हूँ, बगावत कर नले माली सदा बेचैन रहती हूँ। मोहब्बत की क्यारियां सी चक्कर में चैन लेती हूँ, बगावत कर नले माली सदा बेचैन रहती हूँ। सुमन खिलती है शब्दों की कविता जन्म लेती है, सुमन खिलती है शब्दों की कविता जन्म लेती है। निशा महाकाल की बेटी हूँ मैं उज्जैन रहती हूँ, निशा महाकाल की बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जितनी तो एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश में 10-20-30 ऐसी श्रृंगार रस की कवित्रियां होगी जो श्रेष्ठ श्रृंगार लिखती है। श्रेष्ठ श्रृंगार का मतलब आजकल 9 रसों में से एक रस है श्रृंगार रस, और उस रस में लिखने वाले कवि और कवित्रियां लगातार लुप्त तो होते जा रहे हैं। अच्छी कविताएं और अच्छे कविताओं कहने वाले, सुनने वाले और कहने वाले दोनों गिरते जा रहे हैं, केवल और केवल जैन समाज के। और इन अच्छे कवि सम्मेलनों से उम्मीद है कि कोई अच्छी कविता की बात होगी, कोई अच्छी कोई रस श्रृंगार रस को सुना जाएगा, किसी वीर रस को सुना जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद होती है, निशा माइक पर है, ये बहुत अच्छी कविताएं सुना सकती है। जितनी देर ये माइक पर रहे आप सब लोग तालियां बजा करके इनकी कविताओं को सम्मान देते रहे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनको अच्छी कविताओं के लिए, मुक्तकों के लिए आमंत्रित कीजिए। चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद अगर आप लोगों का मानस मैं देखती जाऊंगी कि आप सुनना चाहते हैं, मैं गीत तक पहुंचूंगी। सुनिएगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आदरणीय दीदी, अगर आप थोड़ी देर बाद अपनी बातें रखें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत भाई साहब, चाय वाले आप भी बैठ जाए। सुने भैया, आप जिनको ढूंढ रहे हो वो आ जा ही नहीं है, थोड़ा सा आप भी बैठे। सुनिएगा। वो नैनों से नैना मिला नी लगे है, वो चोरी से काज चुरा नी लगे है। वो नैनों से नैना मिला नी लगे है, वो चोरी से काज चुरा नी लगे है। महकने लगा है मन का ये मधुबन, महकने लगा है मन का ये मधुबन। वो गलियों में जब से यूं आने लगे हैं, वो गलियों में जब से यूं आने लगे। थोड़ा सा आप मानस बना। स्वागत। प्रेम कितना पावन कितना पवित्र होता है, पढ़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। मन को सोने के जैसा खरा कीजिए, मन मरुस्थल को थोड़ा खरा कीजिए, मन को सोने के जैसा खरा कीजिए, मन मरुस्थल को थोड़ा हरा कीजिए। युग युगों तक अमर नाम हो जाएगा, युग युगों तक अमर नाम हो जाएगा। प्रेम मीरा के जैसा जरा कीजिए, प्रेम मीरा के जैसा जरा कीजिए। और लीजिए, मैं गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये चार पंक्तियां मातृशक्ति की ओर से यहाँ बैठे पुरुषों तक स्वागत। चलिए सुनिएगा, एक गीत पहुंचाना चाहती हूँ। आप में से कई लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाते होंगे, और जब पिया परदेश में हो
तीज और त्योहार आ जाए तो किस तरह से वो सारे त्योहार पिया के बिन अधूरे होते हैं और वो उन्हें बुलाने का किस तरह से प्रयास करती है। मातृशक्ति की संख्या थोड़ी ज्यादा है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग तालियां बजा के और मेरा साथ दे करके बताइएगा कि आप लोग वाकई इस तरह का प्रेम करती हैं। सुनिएगा, और यहाँ जितने भी पुरुष अगर उनके मन की भी बात हो रही हो तो वो भी आशीर्वाद जरूर दें। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। ऐसे नहीं सुनाऊंगी, ताल से आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। सुनेगा, मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना। तेरी याद में राती रहती हूँ, याद में रोती रहती हूँ, पिया मुझको हंसानी आ जाना, आ जाना। मैंने लट बिखराई, मैंने लट। ऐसे भी मत सुनिए कि संतोषी माता की कथा चल रही हो, बाद में प्रसाद मिले। थोड़ा सा आप लोग मन बनाइए, देखिए मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। तुम बिन कैसी है ये होली, पिया तुम बिन कैसी दीवाली, हो अब काटे नहीं कटती हमसे पिया रातें ये काली काली। तुम बिन कैसी है ये होली, पिया तुम बिन कैसी दीवाली, अब काटे नहीं कटती हमसे पिया रातें ये काली काली। दहरी पर दीप रखा मैंने, सुलझाने आ जाना, पिया लट सुलझाने आ जाना। और पिया से चाहे जितनी दूरी हो लेकिन रिश्ता कितना पावन होता है, पढ़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत स्वागत। नैनों का रिश्ता काजल से, जैसे धरा का रिश्ता बादल से, हो बस तुमको निहारा करते हैं दो नैना मेरे पागल से। नैनों का रिश्ता काजल से, जैसे धरा का रिश्ता पागल से, बस तुमको निहारा करते हैं दो नैना मेरे पागल से। मैंने रिश्ता जोड़ लिया तुमसे, हो मैंने रिश्ता जोड़ लिया तुमसे, तुम प्रीत निभाने आ जाना। लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना, पिया लट सुलझाने आ जाना। और गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कुछ बोले कंगना हाथों में, पायल झनके क्यों रातों में, हो मिश्री की। कुछ बोले कंगना हाथों में, पायल झनके क्यों रातों में, मिश्री सी घोले कानों में, जादू है तुम्हारी बातों में। राधा की तरस गई अखिया, ओ राधा की तरस गई अखिया, तुम मोहन बन कर आ जाना। मैंने लट बिखराई, मैंने लट बिखराई, पिया लट सुलझाने आ जाना, पिया लट सुलझाने आ जाना, पिया लट सुलझाने आ जाना। और अगर आप लोगों का मन हो तो एक छोटा सा गीत और पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि समय कम है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। एक लड़की है जिसकी पायल गुम हो जाती है और वो पायल जिसके हाथों में मिलती है, मैं सब आप लोग भी सुने किस प्रकार का प्रेम होता है, पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। पहले पहले प्यार के मुझको वो पहली सौगात मिली, जिस पायल को ढूंढा बरसों वो तो उसके हाथ मिली। पहले पहले प्यार की मुझको वो पहली सौगात मिली, जिस पायल को ढूंढा बरसों वो तो उन
पहले पहले प्यार की मुझको वो पहली सौगात मिली। और जब वो पायल उसके उसे मिलती है तो उसके साथ क्या घटता है? स्वागत स्वागत। मैंने पायल लेने को हौली से हाथ बढ़ाया, धीरे से मेरी पतली कलाई उसने कंगना पहनाया। मैंने पायल लेने को हौली से हाथ बढ़ाया, धीरे से मेरी पकड़ी कलाई उसने कंगना पहनाया। सारी सखियां देख रही थी, सारी सखियां देख रही थी, मैं मन ही मन घबराई। वरन जिसका डर था सबके होठ पर वो बात मिली, पहले पहले प्यार की मुझको वो पहली सौगात। और गीत का अंतिम बन, वाह 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 निशा जी वाह। उसकी एक छुअन ने मेरा सारा जीवन बदल दिया, सखियां बदली सपने बदली मन का दर्पण बदल दिया। उसकी एक छुअन ने मेरा सारा जीवन बदल दिया, सखियां बदली सपने बदली मन का दर्पण बदल दिया। मेरे मन के मंदिर में सोने मन के मंदिर में उसने एक ज्योत जगाई, और हृदय के आंगन में फिर खुशियों की बरसात मिली। पहले पहले प्यार के मुझको वो पहली सौगात मिली, वो पहली